गलियों में फैलने के बाद नई उम्र के लड़कों की रगों में उतरने वाला नशा क्या चीज है, इसका खुलासा हम करें उससे पहले जरा इस लड़की की बात गौर से सुन लीजिए। कि नशा ऐसा गंदा वायरस है ना कि बंदे को दुश्मन को भी ना लगवा लगा मेरे मोरा किसी दुश्मन को भी ना लगवा मेरे दुश्मन को भी ना लगवा ये नशा तो ऐसा है भैया। इस लड़की की उम्र महज 16 साल है लेकिन इतनी सी उम्र में इसने दुनिया भर का हर वो नशा कर लिया जो बाजार में बिकता है। आलम ये है कि अगर इसे नशा ना मिले तो ये किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि कोई भी जुर्म करने के लिए तैयार हो सकता है। और ऐसी फितरत का ये अकेला नहीं है, अगर इसी लड़की की बात पर यकीन कर लें तो पुरानी दिल्ली के इसी हिस्से में इस उम्र और ऐसी हरकत करते हुए सैकड़ों लड़के किसी न किसी गली के नुक्कड़ पर मिल जाएंगे। और जब इसने अपनी उम्र के लड़कों की हरकत का खुलासा किया तो उसने ये भी बता दिया कि वो कैसे जहर के दलदल में धंसा और असल में शहर के भीतर ये दलदल बना कौन रहा है। चोरी से ये चक्कर में करता है, ये करवा दी चोरी इस मैक कोकीन चरस जा ये सारी चीजें यहाँ मिल जाती हैं। सिखाते कौन बेचता है? ये बहुत सारे बच्चे बेचते हैं। तो कौन लोग हैं? बच्ची माँ कहते हैं, माओ कहते हैं, बुल्स ये वो कहते हैं, अफजाल कहते हैं, शदी का ये कहते हैं और अपने कहते हैं सारे भीड़ उनसे पैसे लेते हैं। सारे जितने भीड़ वाले अफसर हैं पुलिस वाले सारे पैसे लेते हैं। और यहाँ तक मुझसे मैंने बेची इसमें जगह पे खड़ा हो गया अपने इलाके में। अभी भी बेचते हो? अभी बेचते हो। कबूल किया है कि पहले स्मैक और चरस जैसे नशे उसे मुफ्त में मुहैया करवा दिए जाते थे लेकिन अब इनको इन चीजों की लत लग गई है और उस लत को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। फ्री में पिलाई तो किसने पिलाई? थे बहुत यार दोस्त मर भी गए मेरे दोस्त यार तो बिल के अंदर पहुंच गए नहीं फिर मतलब चाहिए चाहिए कैसे भी लाके तो मेरे को इतनी हो रहा क्योंकि मैं इसमें पीता हूँ। इसमें जो है ना ऐसे निशाने देखो समय पे ठेके पे से लेता हूँ खुला पैसे ले गया मैं ये पीता हूँ क्योंकि इसमें कि मेरे को मैं कब तक जाऊँ तो आओगे तुम क्या था ये स्मैक पी बस सोच रहे तुमने स्मैक का नाम दिया और क्या मैंने तुम्हें पीता हुआ देखा मेरा छोड़ रखे और मैंने तुम्हें देख लिया और फिर जब मेरा पैसा नहीं भागा तुरंत। ड्रग्स की वजह से इसके शरीर की इम्यूनिटी कम हो गई है, इसकी टांग में ये चोट कई महीने पहले लगी थी जो अब तक नहीं ठीक हुई लेकिन इसे जो भी पैसा मिलता है वो इसके नशे के लिए ही पूरा नहीं पड़ता तो फिर ये दवा कहाँ से करवाए। ड्रग्स ने कई घरों को बर्बाद कर दिया, अच्छे अच्छे घरों के कई नौजवान भरी जवानी में ही मौत की आगोश में जा चुके हैं और ये बात अब इलाके के बड़े लोगों को परेशान कर रही है लिहाजा पुलिस से जरूरी कार्रवाई करने की गुहार हर कोई कर रहा है। 5 साल से लेके और मुश्किल से 10, 12, 15 साल तक के बच्चों को इन सब चीजों में शामिल किया जा रहा है, यानी कि चरस को बेचने में, चरस को खरीदने में, स्मैक जितनी नशे की चीज है ये सब छोटे बच्चों से कराई जा रही ताकि कानूनी तौर पे आसानी से इन 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 के जो असल करता धरता है उन पे हाथ न डाला जा सके। तो हम ये तवक्को रखते हैं और दिल्ली की जो हुकूमत है उसकी भी जिम्मेदारी है और खुसूसी तौर पे एमसीडी और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि एनक्रोचमेंट हो या जितना भी बैन एलिमेंट हो इन सबको कंट्रोल में लाए और इन सब जितनी भी यहाँ पे बदउनवानी फैली हुई उसको कंट्रोल करें। खुलासा तो हो चुका है कि आखिर नशे की ये लत लगती कैसे है और वो कौन कौन से ठिकाने हैं जहां ऐसे नौजवान इस लत के करीब पहुंचते हैं। और अगर ये सब कुछ पता चल चुका है तो फिर क्यों नहीं ऐसे ठिकानों को खत्म करने का कोई उपाय होता है, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। दिल्ली अब नशे का सबसे बड़ा ट्रांजिट पॉइंट बनता जा रहा है जहाँ नशे की खेप के पहुँचते ही
शहर के न जाने कितने ही नौजवान उसके फैलाए अंधेरे में डूब जाने को बेताब रहते। अक्सर गुनाह का यह अंधेरा दिन ढलने के बाद फैलता और फिर सिर चढ़कर होता है।